देवकी नंदन, यशोदा वत्सल, कुंज बिहारी, वासुदेव एवं मुरलीधर। भगवान श्री कृष्ण जी को अनेकानेक नामों से पुकारा जाता है। युगों युगों से बांके बिहारी लोगों के दिलों में बसते आ रहे हैं। वर्षों से ब्रज प्रभु की लीलाओं के गुण गाता रहा है। ऐसे मैया यशोदा के दूसरे मुरली मनोहर जी ने धर्म की स्थापना हेतु घनघोर बारिश व तीव्र तूफान के बीच भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कारागार में जन्म लिया था। इसी उपलक्ष में समस्त संसार में प्रत्येक वर्ष भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव के रूप में जन्माष्टमी का पावन पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन श्रद्धालुगण मंदिरों में विशेष सजावट करके भगवान के प्रकटोत्सव को विशेष उत्साह के साथ मनाते हैं। इसके अतिरिक्त संतान प्राप्ति, आयु अथवा समृद्धि के लिए भक्तगण उपवास भी रखते हैं। जन्माष्टमी के पावन पर्व के पश्चात दूसरे दिन दही हांडी उत्सव मनाया जाता है। दही हांडी भगवान श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप के नटखट रूप को दर्शाता है, जिसमें मिट्टी के बर्तन में दही को भरकर ऊपर रस्सी पर लटका दिया जाता है तथा उस बर्तन को फिर गोविंदाओं की टोली तोड़ती है।